सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। मन की कहूँ तो शब्द रुठ जाते हैं और सच कहूँ तो अपने रुठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। कुछ रिश्ते हैं इसीलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आज का पंचांग 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र दोपहर 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 6:56 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार। दुनिया आपका घर है, भोजन संगीत अच्छी कंपनी का आनंद लें। आप धन के मामलों में समझदार हैं और अभी आपके पास बांटने के लिए कुछ संसाधन हैं। अपने रचनात्मक प्रतिभा को परिवार के साथ साझा करें जो आपसे प्रभावित होने के लिए तैयार हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय आ चुका है। अपने भय को अपने सिर पर हावी ना होने दें। चिंता ना करें क्योंकि सब कुछ ठीक है और आप सही रास्ते पर हैं। देर और अंधेर नहीं, आपका धीरज आपकी सोच को निखारेगा और नई धारणाएं आकार लेगी। जीवन में बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बदलता है वो ही आगे बढ़ता है। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में कुछ पुराने संबंधों में सुधार आएगा। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेगी और वह तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएगी। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत की वजह से परिस्थिति में बदलाव नजर आ सकता है, फिर भी पूरी तरह से आपकी अपेक्षा के अनुसार ना होने से थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है। आप व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं पर काम करेंगे तो भविष्य उज्जवल बन सकता है। काम से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के कारण बढ़ोतरी प्राप्त हो सकती है। जिस रिलेशनशिप की आपको अपेक्षा है वह जल्द ही जीवन में प्राप्त होगा। सावधानियां। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए व्यस्तपूर्ण दिन व्यतीत होगा। ध्यान रखें कि भावुकता में बहकर आप कोई गलत निर्णय ना लें। बेहतर होगा कि आज कोई नया कार्य शुरू ही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। विचारों के साथ साथ रूप में परिवर्तन भी जरूरी है। प्यार का इजहार करने में देर ना करें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। अपने शौक जैसे कला, फैशन या गायन के लिए भी वक्त निकालें। आपका ज्ञान और बुद्धि आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी। प्यार या विवाह के बंधनों में बंधने की भी पूरी संभावना है। आमतौर पर आप जीवन को खुलकर जीते हैं, लेकिन फिलहाल आज आप कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। अपने साथी के साथ कुछ आरामदेह समय बिताना आपको दुनिया का हर गम भुला देगा। बात करते हैं करियर की। धन, कीमती सामान और आभूषण अभी आपको आकर्षित कर रहे हैं। इन्हें पाने के लिए मेहनत करें और लालच से बचें। सहयोगियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने में अपने परिवार को ना नजरअंदाज करें। स्वयं के लिए भी समय निकालें। आप पिछले लंबे समय से अपनी साहस और ऊर्जा को अनदेखा कर रहे हैं और अब समय है अपनी अंतरात्मा की सुनने का। दिमाग का प्रयोग करें और अपनी सहज ज्ञान को खुद को मार्गदर्शन करने दें।
आज सब कुछ आपके पक्ष में है। शांत और सावधानी पूर्वक विश्लेषण अपनी समस्याओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। बात करते हैं सेहत की। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सुबह व्यायाम करें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।